नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ट्रांसफार्मर की ओवरलोड समस्या से विद्युत मंडल हुआ परेशान, समुचित उपक्रम न मिलने के कारण यथास्थिति में ट्रांसफार्मर। जैसा कि देवेंद्रनगर में ट्रांसफार्मर की हालत बिगड़ती जा रही है और ओवरलोड से ट्रांसफार्मर का हाल बेहाल हो रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ हर ट्रांसफार्मर में लगभग डबल ओवरलोड आ रहा है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगना, केबलों का जलना आम बात हो गई। इसमें जनता परेशान हो रही है। विद्युत मंडल वालों का कहना है कि हम ट्रांसफार्मर की व्यवस्था के लिए शासन को कई बार लिख चुके और इन सभी समस्याओं से अवगत करा चुके, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई भी सामान उपलब्ध नहीं कराया, जिस कारण से हम व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं। देवेंद्रनगर के कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनका ओवरलोड कम नहीं हुआ तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या विद्युत विभाग को हादसे का इंतजार करना होगा या फिर बड़े अधिकारी इस ओर कोई ठोस कदम उठाएंगे, जिससे नगर की जनता जनार्दन चैन की सांस ले सकेगी। सर, जैसा कि विगत वर्षों में अपने यहाँ का लोड दिन प्रतिदिन ट्रांसफार्मर का बढ़ता जा रहा है और अपने यहाँ समस्याएं होना चालू हो गई, ट्रांसफार्मर में ब्लास्टिंग या आग लगना अमूमन हो गया है, इसके संबंध में आपके डिपार्टमेंट ने क्या व्यवस्था की? ये जो अपने यहाँ जैसे प्रॉपर देवेंद्रनगर में हम बात करें अपने, तो अभी जो मैक्सिमम सभी ट्रांसफार्मर अपने ओवरलोड हो गए हैं, इसके लिए अभी हमने एस्टीमेट बनाए थे। ये ट्रिपल आर डी एस एक हमारे यहाँ से आ रही है, जैसे कि तेल ओवर होना या उनमें अमूमन आग लग जाना, उसके में आपने के डिपार्टमेंट ने क्या व्यवस्था करके रखी है? विभाग तो ये अभी जो हमारा ट्रिपल आर डी एस में कार्य हुआ है, ये उसी के अगेंस्ट का एक पहलू है। चूँकि जब हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड है और बगल में दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो हमारा लोड ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं हो पा रहा हमारा जब तक। अभी जब तक हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा है वो हमारा बचा रहा है, उसमें जो भी तेल मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी ये वो हम समय पर करेंगे। आपका सर नाम और पदनाम? मैं विनोद कुमार सक्सेना, सहायक अभियंता। इसमें करीबन जहाँ ओवरलोड थे ट्रांसफार्मर, वो हमने सभी जगह चिन्हित करके उन जगह पे एक एडिशनल या एगमेंटेशन का प्रस्ताव ट्रांसफार्मर किया था। शायद इनकी जानकारी है कि इनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और जल्दी ही इनके काम हो गए हैं, बाकी इनके लिए वो चटकारियों से बात करेंगे कि इनके बारे में कि काम कब तक होना है। देवेंद्रनगर में